A very good morning to all of you. I hope you all are fit and fine. So today we are going to learn about conservation of minerals. Okay, and the conservation of minerals, and we will start the other topic, that is power resources. Conservation. What is the meaning of conservation? Conservation. आपने अपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था व्हाट हाउ डू वी कंजर्व रिसोर्सेज. मिनरल इज आल्सो अ रिसोर्स. ओके, सो समहाउ मिनरल्स और समहाउ रिसोर्सेज मींस सेम. यहाँ पे हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? मिनरल्स की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में. और अपने रिसोर्सेज में हमने मोस्टली सब रिसोर्सेज की बात की, ठीक है? वाटर रिसोर्सेज, मिनरल्स और every type of land resources, soil, etc., everything we have talked about in our last chapters about resources, and in land we have talked about everything. But in this chapter we will basically learn about the conservation of minerals. Why conservation of minerals is necessary? So first of all, minerals are a non-renewable resource. Now you all have read in your first chapter about what is a non-renewable resource. कंजर्व कर सकते हैं. हु विल टेल मी प्लीज? यस दिवेश, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. हेलो, गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून दिवेश. यस बच्चे, टेल मी हाउ कैन वी कंजर्व मिनरल्स? मैम, एज वी ऑल नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो मिनरल्स, सो स्टॉप यूजिंग अननेसेसरीली कोल एंड पेट्रोलियम. ओके, स्टॉप, रिड्यूस, वेस्टेज नहीं करना चाहिए. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस. और क्या तरीके हैं मैम? और मैम, जैसे मैम कोई भी मैम, जैसे मैम चीज है, जैसे मैम हमारी पास मैम कोई आयरन है, तो मैम उसको मैम कुछ या तो रीयूज कर लो, या फिर मैम उसे मैम किसी मैम जिसको जरूरत है मैम उसे दे दो. मैम उसे वैसे वेस्ट मत करो. सी आर्ट, हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को. ओके गुड, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक. ओके, और कोई? निसर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. प्लीज स्टार्ट योर वीडियो आल्सो. गुड आफ्टरनून मैम. Good afternoon. Ma'am, by conserving them for future. हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं for उनको future generation के लिए conserve करने के लिए हम क्या तरीके use कर सकते हैं? आप अपना एक घर का example दे सकते हो, कुछ सोचो. Ma'am, by using resources carefully. Okay, very and good. Giving but, them time to get renewed. But it takes millions of years to get that get them renewed. Yes, ma'am. और क्या तरीके हैं कि हम use कर सकते हैं resources को ऐसे sustainably? Ma'am, by don't throwing waste. Yes. In ma'am, lakes, rivers. Okay. Yes. Okay, don't throw wastage in the rivers, lakes, etc. Okay, it is the resources. I'm asking you about the conservation of minerals. Some minerals ko kaise conserve kar sakte hain? Jaise minerals mein aapke aa gaye ki coal, petroleum ho gaya aapka, aur bhi jaise gold, silver, platinum, iron, ye sari cheeze aa gayi, ho gayi. Ma'am, by using them carefully. Okay, by using them carefully. Okay, beta, koi baat nahi. अभी जब आगे अभी और पावर रिसोर्सेज अभी मैं जब बताऊंगी उसमें से आपको और पता चलेगा कि हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं मिनरल्स को. यस आदित्य, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. आदित्य, यस आदित्य. मैम, बाय यूजिंग, मैम बाय यूजिंग सीएनजी एंड अदर लिक्विड फ्यूल व्हिच कैन हेल्प अस, व्हिच कैन हेल्प अस, नो, व्हिच कैन हेल्प अस. Hello. We can use. Yes, I'm listening to you. Yes, I'm listening. Which can help us to. जिससे हम हमें वो मिलेगी. नहीं यार क्या. मैम, जिससे कि हम पेट्रोल और डीजल बचा सकते हैं मैम. हाँ हाँ, we can use CNGs or we can use pathways. Like, हम वॉक कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमें बस अभी थोड़ी सी दूर जनरल स्टोर जाना और उसमें भी हम स्कूटर या बाइक यूज कर रहे हैं. तो
हम वी कैन यूज देम सस्टेनेबली, जहाँ जरूरत है हम वहीं पे यूज करें रिसोर्सेज को, ठीक है. और जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, डोंट वेस्ट योर इलेक्ट्रिसिटी. अगर यूज में नहीं है तो आप स्विच ऑफ कर सकते हो सारे ये लाइट फैन और जो भी आपके यूज में नहीं है उस टाइम पे आप उनको स्विच ऑफ कर सकते हो. So these are some of the methods you can conserve the minerals, and we will talk about more later on when we read about the power resources. Okay, so the very first question arises from this topic is why conservation of minerals is necessary. So the very बहुत easy answer है इसका. Because minerals are non-renewable resource and it takes thousands of years for the formation of minerals, so for the conservation of future generation we should conserve the minerals. Okay, this is the agar short mein question pucha jata hai to aap ye likh sakte ho 1 mark mein. Okay, yes, Samiksha, please unmute yourself. Yes, Samiksha. Yes, Vita. Yes. मैम वाइटल का मतलब समझ नहीं आया मुझे. वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट. ओके ओके. लक्षरा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ जी लक्षरा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. ओके so power resources are of two types. Okay, they are divided into two types, conventional and non conventional. Power resources are of two types, conventional and non conventional. Now what is the meaning of conventional resources, conventional power resources? Conventional sources of energy. Conventional power resources or conventional source of energy are those which have been in common use for a long time. ठीक है. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो हम काफी लंबे टाइम से जिनको यूज करते आ रहे हैं और बहुत कॉमनली यूज होता है. कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर ऑफ टू टाइप, फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल. इन फायरवुड इट इज वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. अब आप यहाँ पे एक पिक्चर भी देख रहे हो, एक वुमेन जो है वो क्या कर रही है, फायरवुड को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फायरवुड को कलेक्ट करते हुए कैरी करते हुए जा रही है. हम फायरवुड का यूज क्यों करते हैं, मोस्टली विलेजेस में बहुत ज्यादा यूज होता है. फायरवुड इज वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. कुकिंग करने के लिए, हीट करने के लिए फायरवुड का बहुत ज्यादा यूज होता है. In our country, more than 50% of the energy used by villages comes from firewood. हमारे country में villages में ज़्यादा 50% से ज़्यादा जो energy है वो firewood से काम मिलती है. ठीक है, कहाँ पर villages में 50% से ज़्यादा जो energy है वो firewood से मिलती है. Now next is conventional source में आपका है fossil fuels. Fossil fuels हम बोलते क्या है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स रह जाते हैं विच वर बरिड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स. प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स है जो धरती पे बहुत हजारों करोड़ मतलब लाखों साल तक जमीन के अंदर रहते हैं और जो जमीन की धरती की जो गर्माहट है, हीट है और प्रेशर है उसमें उसकी हेल्प से वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, सो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज. व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस जो है फॉसिल फ्यूल्स के इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं. The reserves of these minerals are limited. जितने भी रिजर्व हैं आपके, जो रिजर्व मतलब की कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास बहुत लिमिटेड हैं.
तो रिजर्व जो है मिनरल्स के वो बहुत ज्यादा क्या है, ये फॉसिल फ्यूल्स के बहुत ज्यादा लिमिटेड है, ठीक है। तो अंडरस्टूड व्हाट आर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम कन्वेंशनल में टू टाइप्स पढ़े थे हमने, फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल। फायरवुड जो लकड़ियां हैं जलाने के लिए काम आती है, और सेकेंडली है आपका फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन से लाखों सालों तक क्या है जमीन के अंदर रहते हैं, उससे क्या है फॉसिल फ्यूल बनता है। कुछ मेन सोर्सेज क्या है फॉसिल फ्यूल के, कोल, ये आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस। नाउ कोल, दिस इज द मोस्ट एबंडेंटली फॉसिल फ्यूल फाउंड। फॉसिल फ्यूल एबंडेंटली फॉसिल फ्यूल मतलब कोल जो है सबसे ज्यादा मिलने वाला फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। जो फॉसिल फ्यूल है उसमें सबसे ज्यादा जो मिला है उसमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल मिला है, कोल मिला है, कोयला जो बोलते हो। इट इज यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कोल का यूज डोमेस्टिक फ्यूल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आपके घर पे भी जो मोस्टली जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहाँ से आ रही है, वो कोल का यूज करते हुए थर्मल पावर प्लांट में कोल का यूज करते हैं और वहीं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हुए आ रही है। इन इंडस्ट्रीज में जैसे आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज है, स्टीम इंजन है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम कोयले का यूज करते हैं, कोल का यूज करते हैं। Electricity from coal is called thermal power. जो coal से आपकी electricity generate होती है उसको हम क्या बोलते हैं, thermal power बोलते हैं, ठीक है। One mark में question आ जाता है, what we called electricity which generate from the coal, we called it thermal power. The coal which we are using today was formed millions of years ago. जो coal हम आज की date में use कर रहे हैं, ठीक है, जो कोल हम यूज कर रहे हैं उनको कितना टाइम लगा है बनते हुए, वो लाखों साल लग चुके हैं उसको बनते हुए। When giant ferns and swamps got buried under the layers of earth, ferns और swamps ये क्या है, animals और plants, ये सारी चीजें। Giant ferns and swamps got buried under the earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine. कोल को हम बरिड सनशाइन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बरिड सनशाइन, बिकॉज कोयला कैसे बनता है, कोयला धरती पे बहुत सालों तक जब एनिमल्स और प्लांट्स बरी होते हैं, ठीक है, उससे बनते हैं। सनशाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोयले से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट बरिड सनशाइन। सो द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। जो कोल के प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड में कौन कौन है, चाइना है, यूएसए है, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस। हमने अपनी लास्ट क्लासेस में मैंने आपको वर्ल्ड मैप में बताया भी था कि कोल के प्रोड्यूसर, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड। द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया, इट इज इम्पॉर्टेंट, इंडिया के जो कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं। द इम्पॉर्टेंट कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। झारखंड और वेस्ट बंगाल में मोस्टली आपका जो कोल है मिलता है, उसमें से बोकारो, धनबाद, झरिया जो है झारखंड में है, रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में है, और यहाँ पे आपको कोल प्रोड्यूस होता है। देखो आई हैव, मैंने एक, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया जहाँ पे मैंने ये लोकेट पे किया है, वेयर डू वी फाउंड लाइक कोल, ठीक है, कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट। This is West Bengal, Ranigunj. Ranigunj is in West Bengal. It is in the boundary. देखिए West Bengal, ये झारखंड है और ये West Bengal है, ठीक है? Just let me take some of pencils. Yeah. This is West Bengal, और West Bengal की जो boundary है, West Bengal और झारखंड की, वहाँ पे आपका coal Ranigunj है और यहाँ पे coal produce होता है. And now this state is झारखंड, ठीक है? और यहाँ पे देखिए ये वाला जो येलो आपका रेड एरिया है वो बोकारो है। यहाँ पे जो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वन ऑफ द बिगेस्ट आपका आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे लोकेट है बोकारो में, ठीक है। क्यों लोकेट है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें कोयला बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है, दैट्स वाई द आयरन एंड कोल इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है, बोकारो में लोकेटेड है। झरिया बोकारो के पास में ही है, झरिया भी, ठीक है। एंड दिस इज ये सब, सॉरी, दिस इज द ब्लू पॉइंट इज धनबाद एंड द येलो पॉइंट इज
झरिया, आपके झारखंड और बिहार की जो बाउंड्री है वहाँ पे झरिया है, और धनबाद बोकारो के पास नहीं है, वेस्ट बंगाल की बाउंड्री के आसपास नहीं आपका झरिया है। सो दिस मैप आई विल प्रोवाइड यू, दिस मैप यू हैव टू कंप्लीट दिस मैप इन योर नोटबुक ऑल्सो। आई विल गिव यू दिस मैप, ओके, यू हैव टू डू दिस इन द आउटलाइन मैप और सॉरी इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। That's all for today. Thank you for joining the class, everybody. Now, if you